गुच्ची का मन कर रहा है डिक्की में बैठ के जाने का। भाई क्या दिखा दिया इसको ऐसा डिक्की में, मैं भी बैठ जाता हूँ, गाड़ी कोई और ही चलाए। नॉट अलाउड भाई साहब, यूट्यूबर यहाँ पे अलाउड नहीं। हाय करो बेटा। हाय गाइस। बोलो हम खेत जा रहे हैं। खेत जा रहे हैं। फुल मस्ती टाइम। फुल मस्ती टाइम। और गाड़ी की डिक्की में बैठ के जा रहे हैं। गाड़ी की डिक्की में बैठ के जा रहे हैं। भाई इनके कपड़ों में, इनके रग रग में मूंगफली मिलेगी। भाई ये देखो जहाँ मूंगफली दिख रही है वहां इनका लालच भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। काफी टाइम के बाद में एक इंटरेस्टिंग व्लॉग आप सभी के लिए लेके आया हूँ। मैं आया हूँ भाई जोरडा गांव में, जहाँ पे हरिराम जी का धाम है। वो वाला व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हम लोग भाई पूरी गाड़ी के अंदर 6 से 7 लोग आए हैं, छोटे बड़े मिला करके। और अपने पास गाड़ी कौन सी है, ये वाली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं, चाचू, गोविंद भैया, गोविंद भैया का बेटा, गोविंद भैया की माता जी, और मेरी दादी जी, और हर्षिता, और एक छोटा सा बेटा अपना राम। तो हम सब लोग आए हैं। हाँ यशपाल भैया भी तो है। तो भाई गोविंद भैया तो पूरा डिग्गी में बैठ के आए थे इस गाड़ी की, अभी आप वो भी क्लिप देखेंगे। फिलहाल चाचू यहाँ पे है और हम लोग जा रहे हैं अंदर, सब लोग अंदर हमारा वेट कर रहे हैं। आपको पूरा फार्म हाउस दिखाने वाले हैं, देन हम लोग यहाँ से जाएंगे वापस नागौर के लिए। तो मूड किया कि आप सभी के लिए एक प्यारा सा व्लॉग बना दूं मैं। सो फिलहाल गाइज यहाँ पे देखो बढ़िया से मूंगफली का खेत है। ये पूरा मूंगफली मतलब ये सिंह दाना जिसको अपन बोलते हैं, ये डरा देंगे भाई पहले ही। ये देखो हमारा प्यारा बेटा रामू, कच्ची मूंगफली निकल के लाई अंदर से। ये ओए कच्ची मूंगफली गाइस, भाई साहब ये बहुत प्यारी लग रही है देखने में। दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं अपन मूंगफली राजस्थानी भाषा में, इसको मूंगफली हिंदी भाषा में इसको, अरे रुक जाओ भाई, राजस्थानी भाषा में इसको मूंगफली बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसको मूंगफली बोलते हैं। इसका अगर अपन टेक्सचर देखें तो ये पूरा, इसकी शेप आप देखिए पूरा, ये ना थोड़ा बहुत कर्व शेप में है, और ऊपर से अपन को इसको इस तरीके से फोड़ना होता है, और नीचे से इसको इस तरीके से करते हैं, तो इसके अंदर बढ़िया से सींग दाने निकलते हैं जो खाने में बहुत ज्यादा। जो गाइस मैं बता दूं आपको, रानी जा रहा मन लल जाए रहना जाए। ये गाइस इतने बड़े साइज की मूंगफली है ना, जीवन में पहली बार देखी है मैंने। भाई साहब है तो साइज, नहीं नहीं मेरे भाई साहब साइज बहुत बड़ा है इसका। तो गाइज ये बहुत बड़े साइज की मूंगफली है, और इसको अभी खा के देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट है। ये देखो ये कितनी दी मेरे को, ये कोई साइज है क्या? तो अभी ये मूंगफली खाते हैं भाई, और दिखा कच्ची है ये तो, कच्ची तो होगी, तो कच्ची मूंगफली एक खा लिए भाई। और यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे माता है, कच्ची मूंगफलियां निकालने पे लगी है कच्ची। भाई इन्होंने तो मुट्ठी भर ली है देखो। गुच्ची तू भी लग गया काम पे, गुच्ची तो पूरा पौधा ही निकाल रहा है भाई, घर पे लेके जाएगा। वो देखो लाल, इसको कुछ और खा भाई, लाल लाल मूंगफली नहीं देखी होगी गाइस आपने। ये देखो इतनी सारी मूंगफलियां पड़ी है यहाँ। चाचू ने यहाँ पे बढ़िया कच्ची मूंगफलियां का स्टॉक बना लिया अपने पास में, और गोविंद भी वो देखो वहाँ, अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो वहाँ पे बैठे हैं गोविंद भी अच्छे से। देखो एक भैया और है उनके साथ में, और वो वहाँ पे बढ़िया ट्यूबवेल का आनंद ले रहे हैं भाई, क्योंकि ये खेत पे पूरा ट्यूबवेल भी है। अभी हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं, आप लोग को पूरा एरिया दिखाते हैं। यहाँ पे ना दूर दूर तक जहाँ भी देख रहे हैं ना, पूरा कच्ची मूंगफली, अभी कच्ची है मतलब ये पक जाएगी, पूरा मूंगफली का यहाँ पे फार्म बना रखा है। और फिलहाल यहाँ पे मूंगफली जो है ना भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हर्षिता के साथ में राम भी बढ़िया मूंगफलियाँ निकाल रहा है इधर। भाई इनको शर्म ही नहीं है, कब से मूंगफलियाँ खाए जा रहे हैं। गाइस मैं बता दूं, लिटरली इतना मजा आ रहा है ना मुझे मूंगफली खाने में, वीडियो को भूल गया हूं सही में। भाई देखो ऐसी मूंगफलियाँ तो मेरे को दे रहे हैं, एहसान मत करो देखे यार। भाई यहाँ पे ना एक डॉग भी है, तो हमें देखने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो उसकी नज़र पूरी हमारे ऊपर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ पे है देखो, जर्मन शेफर्ड। अरे बांधा हुआ है भाई, बांधा हुआ है। चलो चलो चाचू बांधा हुआ है, साहब ये कर रहे हैं हम पे अटैक, धड़कने हिला दी इसने। इस पे नज़र रखना गाइस, ये जब भी हम पे अटैक करे एक कमेंट कर देना बस। तो भैया आ गए, वो देखो 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 कैसे कर रहे हैं। ये कुत्ता पागल बना देता है भाई। गुच्ची इधर से आ जा बेटा, इधर से आ जा। ये कुत्ते इसकी इसकी इस डॉग की खासियत है भाई, ये बढ़िया पूंछ हिलाता है और ये पागल बना के लोगों को खा जाता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग गोविंद भैया के पास,
इन्होंने काफी देर से यहाँ पे डेरा लगा रखा है, तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये देखते हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, वाह यहाँ पे देखो पूरा पानी का स्टॉक कर रखा है पूरे के पूरे खेत के लिए। भाई सनसेट का सीन बहुत प्यारा आ रहा है, और ये दोनों देखो फादर और सन यहाँ पे बढ़िया अपना परचम लहरा रहे हैं। चाचू क्या कहना चाहोगे यहाँ आके, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक्सीलेंट, क्योंकि आपको तो मूंगफली खाने को मिल गई, वो भी खेत की ऑर्गेनिक ताजा। गाइस मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा जो फार्म आप यहाँ देख रहे हैं दूर दूर तक पूरा का पूरा बियाबान एरिया है। और मैं बता दूं ये पूरा जो खेती जो आप देख रहे हैं, पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पर, पूरा ऑर्गेनिक रूप से इन्होंने पूरा ऑर्गेनिकली यहाँ मूंगफली की खेती की हुई है। और बहुत ही बढ़िया, मतलब खाने में इतनी लजीज है कवे, मतलब इतना मीठापन और क्या, ओए होए 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 होए, शब्द नहीं, बहुत शानदार बस। और यहाँ पे गुच्ची है, तो गुच्ची भैया हेलो। हाय। हेलो हेलो, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे आप आए हो? बोल दो आगे चलो आगे चलो। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप यहाँ पे आए हो, पूरा फार्म हाउस आपने देखा, कच्ची कच्ची मूंगफलियाँ खाई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसी लगी मूंगफलियाँ यहाँ की? अच्छी थी। तो आप ये पूरे एरिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? पूरा एरिया अच्छा है। अच्छा है, आप यहाँ पे रहना चाहोगे आज? क्यों क्यों क्या हुआ? मेरे घर पर आए। अरे अरे मैं भी यहीं रुकूंगा गुची, गुची मैं भी यहीं रुकूंगा, रुकोगे आप मेरे साथ? हाँ ना बोलो। जल्दी आओ भाई, ये मारेगा आज हम में से किसी को भाई। तो बढ़िया भाई, गोविंद भैया और गुच्ची बढ़िया ना डिग्गी के अंदर बैठ के आए थे, गाड़ी के डिग्गी के अंदर, और इनको कैसा फील हुआ? ये दोनों बढ़िया मस्ती से व्लॉग कर रहे हैं भाई गाड़ी में बैठ के। ये देखो ये बढ़िया, इन्होंने यहाँ पे टैग लिया था, वाह यार गुच्ची। बोलो हम खेत जा रहे हैं। सो गाइस हमने जर्मन शेफर्ड की बॉर्डर पूरी कवर कर लिया भाई, हम आ गए हैं बॉर्डर, उसकी बॉर्डर उधर रह गई है, अब उसकी उधर जाएगा तो वो जिंदा नहीं बच के आएगा। तो ये भैया के कंट्रोल में रहता है वो पूरा, अभी चल रहे हैं भाई यहाँ से, बढ़िया फार्म हाउस में। ये देखो ये कब से चाचू, इनको इनको कोई शर्म ही नहीं है, इधर ये खाने में लगे हुए हैं, उधर वो इसके इनके लिए निकालने में लगे हुए हैं। ये देखो सर भाई भाई, इनके कपड़ों में, इनके रग रग में मूंगफली मिलेगी भाई। ये देखो जहाँ मूंगफली दिख रही है वहां इनका लालच भाई साहब, ये बहुत लालची इंसान है दोनों, ये इनके साथ ये भी भाई। गुच्ची तू तो शर्म कर भाई, राम को है शर्म तो पूरा, इसको बिल्कुल परवाह नहीं है। एक उनको देख लो, उनकी दुनिया ही अलग है भाई। ओ भाई साहब हमारे साथ ही आए हो क्या? अरे तू ये डिग्गी वाले भैया देखो, डिग्गी में बैठ के जाएंगे, इनको पता है हमारा वैसे भी जाना तो डिग्गी में बैठ के ही है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर भैया का घर है, तो वहाँ पे भैया को ड्रॉप करेंगे। तब तक भैया जो है गोविंद भैया डिग्गी के अंदर जाएंगे, और रास्ता पूरा है ना ये सैंड ड्यून्स वाला है पूरे, यहाँ पे दूर दूर देखो पूरे मिट्टी के यहाँ पे। तो गाइस अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो मूंगफली का पूरा पौधा कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो ये पूरा मूंगफली का प्लांट है। भाई गेट के पास आ गए हैं, और अरे 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 डिग्गी वाले भैया सीट के ऊपर कैसे जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये भाई डिग्गी में बैठने वाले हैं दो, ये देखो अभी ये देखो एडजस्टमेंट देखना इनका किस तरीके से होता है, ये पहले अपने बेटे को बिठाया और फिर यहाँ पे खुद बैठे। अरे तो ये देखो भाई इनके मजे अलग है दोनों के, बढ़िया यहाँ पे मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ढक लो भाई आपका ये गेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई दोनों भाई भाई बैठे डिग्गी में, और इनको मूंगफलियां मिलेगी खाने के लिए भाई। मस्त लग रही है भाई डिग्गी मूंगफलियां मस्त लग रही, अब गाड़ी चलेगी तब देखना इनका क्या हाल होने वाला है। ये गुच्ची का मन कर रहा है डिग्गी में बैठ के जाने का, भाई क्या दिखा दिया इसको ऐसा डिग्गी में, मैं भी बैठ जाता हूँ गाड़ी कोई और ही चलाए। नॉट अलाउड भाई साहब, यूट्यूबर यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुच्ची आप आ जाओ मेरे पास यार, हम लोग निकल रहे हैं भाई, ड्राइव करेंगे बढ़िया अपन। तो कैसा लग रहा है? बेस्ट है गाइस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, आज पहली बार गाड़ी में इस तरह से बैठे हैं। किसकी वजह से?
ये गोइंग टू ऐसा ये इनकी वजह से। मैंने तो गाइस बहुत बार ये एक्सपीरियंस कर रखा है, हम जब भी खेल जाते हैं ना ऐसे ही जाते हैं मस्ती करते हुए, मजा आ रहा है गाइस, लिटरली बहुत बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी की डिग्गी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है तकरीबन 40-50 की स्पीड पे, तो आराम से होगी बैठे, बिल्कुल 40 से ज्यादा ही होगी भाई, लेकिन मैं इसके बराबर पक सकता हूँ। आप तो फिर आप हो, बस गाड़ी बंद होनी चाहिए। तो फिलहाल गाइज हम लोग वहां से निकल गए और अभी जा रहे हैं हमारे नागौर के लिए। अभी हम देख लो, काउंट करो कितने लोग बैठे हैं, दो आगे और 1 2 3 4 फोर ही हो पीछे, फाइव है। अच्छा, 5 जन बैठे भाई पीछे और 6 5 सीटर गाड़ी में 6 जन बैठे और 7वां आराम भी है छोटा सा, बट उसको तो गाड़ी पे भी डाल सकते हैं। अरे भाई साहब आप गलत बता रहे हैं, हम बैठे हैं सर 8 जने, 5 जने पीछे और 3 जने आगे, काउंटिंग गलत है बच्चे की।